असलमान दिस इज मी ज्यादर वेलकम टू जरवर्सेज टैक आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की जो कि है सैमसंग की ए सीरीज में आने वाला ए फिफ्टी टू अब ये जो स्मार्टफोन है ये मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन था क्योंकि अगर बात की जाए सैमसंग गलेक्सी ए फिफ्टी वन की तो वो मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था ट्वेंटी ट्वेंटी में सेलिंग स्मार्टफ़ोन तो था लेकिन उससे जो है वो जो यूज़र्स थे वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे लाइक like, उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी सी लो थी लाइक like, सेल तो होगी काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस लेकिन ये था कि जितने भी यूजर थे वो उससे अनसेटिस्फाइड थे अब ये जो ए है ये काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो डिवाइस जो है वो लॉन्च की गई है सबसे पहले इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो है फिफ्टी और ऑफलाइन मार्केट में आप लोग को इसमें अच्छा डिस्काउंट मिलता है आज की डेट में ऑफलाइन ये मार्केट में भी ये लॉन्च हो चुकी है आप लोग चाहें तो उसको जाके परचेज कर सकते हैं अब आज के अनबॉक्सिंग में हमने इसको देखना है कि इसकी फर्स्ट लुक कैसी होती है इसके साथ किस स्पेसिफिकेशन के साथ हमें ये डिवाइस मिल रही

इसको रिमूव करते हुए यहाँ पे हमारे हाथ में वारंटी कार्ड आ गया क्योंकि इसके ऊपर रखा गया था अभी हम लेते हैं इसके बॉक्स का ओवरव्यू तो फ्रेंड्स साइड पर आप लोग देख सकते हैं गलेक्सी ए फिफ्टी की इमेज जो कि वो बनाई गई है उसी के ऊपर एक स्टिकर लगाया गया है फ्री ट्वेल्व जी अगर आप लोग जोंग यूज़र हैं तो आप लोग को इसमें ट्वेल्व जी जो है वो फ्री मिलने वाला है अपर टॉप पे इसके आप लोग को गलेक्सी ए टू की ब्रांडिंग दी गई है बॉटम पे सैमसंग की ब्रांडिंग है वहीं लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो आप लोग को पी टी अप्रूवल के स्टिकर के साथ गलेक्सी ए फिफ्टी टू मैंशन किया गया है मतलब ये डिवाइस जो है वो पी टी अप्रूवड है राइट right साइड इसकी क्लीन है बॉटम साइड पे हमें जो है वो इसके मॉडल का बताया गया है रैम एंड रोम और साथ में इसका कलर कौन सा है वो बताया गया है तो ये मेरे पास ऑफम awesome ब्लैक है जो कि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अपर साइड एंड बैक साइड क्लीन है तो अभी जल्दी से हम जो है वो इसकी सील को जो कि चेयर कर लेते हैं लाइक इसके सेमसंग में एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये जो अपनी बॉक्सिस पे जो है वो सील्ड करके भेजता है ताकि रीपेकिंग में जो कि काफ़ी हद तक चांसेज जो है वो कम हो जाते हैं कि डिवाइस जो है वो आप लोग की रीपैक नहीं हो पाती बाकी ब्रांड जो हैं वो ये काम नहीं करते और उनको भी करना चाहिए ये तो इसको जो कि हम अनबॉक्स कर लेते हैं और अनबॉक्स करते हुए सबसे पहले हमें इसमें देखने को मिलता है ई एम आई स्टिकर्स और उसी के बॉटम में हमें मिलती है हमारी डिवाइस अभी इसको जो कि हम साइड पर रख लेते हैं लेकिन मैं एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल से मिस कर रहा हूँ वो इसके बॉक्स के पीछे ये वाला जो है वो छोटा मिनी बॉक्स जो कि वो रह गया है इसमें हम देख लेते हैं एज यू यू आप लोग को पता है कि इसमें आप लोग को यहाँ पर एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिलती है जिसको हम भी जो है वो हम निकाल लेते हैं ताकि हम जो है वो इसकी सिम सचिम भी चेक कर सकें और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमें जो कि कुछ मैनुअल्स मिलती है क्विक क्विक स्टार्ट गाइड वारंटी कार्ड इसको भी साइड पर लगते हैं और यह है एक इसकी सिलीकन केस सिलीकन केस इसमें आप लोग को ट्रांसपेरेंट तो मिलता है लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेस टून जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कैमरा सेटअप भी आप लोगों के सामने है सिल्कन केस से आप लोग आईडिया लगा सकते हैं तो इसको अभी हम साइड पे रखते हैं अभी और उसके बाद हम फर्दर देते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है तो बॉक्स में हमें ये मिलती है एक इसकी केबल जो कि ओबियसली सी टाइप होने वाली है और जो कि यू एस पी टू टाइप सी है इसको भी साइड पे रखते हैं और यहाँ पे मिलता है एक हमें अडाप्टर और अडाप्टर की अगर पावर की बात की जाए तो ये आप लोगों का अडाप्टर जो है वो 25 फाइव आर्ट का नहीं जस्ट 15 वाट की पावर जो कि वो सप्लाई करेगा लाइक ये डिवाइस जो है वो 25 फाइव वाट का जो कि आप लोगों को पावर जो है वो सप्लाई करेगी लेकिन ये है चार्जिंग जो है वो ट्वेंटी वाट की होगी लेकिन इंक्लूडेड उन्होंने फिफ्टीन वाट किया गया है सैमसंग से ये जो उम्मीद नहीं थी उनको तो 25 फाइव वाट का ही चार्जर रखना चाहिए था लाइक दूसरा ब्रांड तो चलो कर लेते हैं बाकी ठीक है बाकी ओवरऑल आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर बात की जाए हमारी डिवाइस की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें एक उसके ऊपर जो है वो रैप किया गया है जिसपे सैमसंग गलेक्सी फिफ्टी लिख टू लिखा गया है और साथ में इसके कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर जो है वो मैंशन किए गए हैं जिसमें हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलने वाला है क्वाड कैमरा सिक्सटी फोर विद ओ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ हमें इसमें कैमराज मिलने वाले हैं लाइक सैमसंग जो है वो अपने मिड रेंज पे भी काफ़ी अच्छा फोकस कर रहा है इस और आई पी सिक्सटी सेवन वाटर एंड ड्रस्ट रेजिस्टेंस ये डिवाइस आप लोगों को मिलेगी मतलब कि वाटर प्रूफ है ये डिवाइस और सैमसंग मिड रेंज पे भी काम अच्छा करने लग गया है अभी जल्दी से हम जो है वो इसके रैप को जो क्योंकि रिमूव करके लेते हैं हमारी डिवाइस की फर्स्ट लुक तो ये रही हमारी डिवाइस की फर्स्ट लुक यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो औसम ब्लैक कलर जो है वो वाकई काफ़ी औसम देखने को लग रहा है जब मैंने इसको परचेज़ किया था मुझे पर्सनली ब्लैक कलर पसंद नहीं है तो लेकिन ये डिवाइस जो है वो काफ़ी खूबसूरत देखने को लग रही है जल्दी से इसको हम बूट करते हैं बूट करने के साथ हम देखते हैं इस डिवाइस का फिजिकल ओवर तो राइट साइड पर हमें मिलता है वॉल्यूम ब्रोकर वॉल्यूम ब्रोकर के मिलते नीचे मिलता है एक पावर बटन वहीं बॉटम साइड पर देखा जाए तो हमें मिलता है एक स्पीकर ग्रिल साथ में मिलते हैं एक यू टाइप सी पोर्ट माइक्रोफोन 3.5 पॉइंट फाइव का जैक ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें जो कि इसकी क्लीन देखने को मिलती है मैं सोच रहा था शायद सिम इंजेक्शन इसकी ट्रे हो और उसके बाद अपर साइड पे हमें मिलती है इसकी सिम ट्रे और सिम ट्रे को अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है लाइक यहाँ पर हमें शेयर्ड मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिलती है ड्यूल सिम सपोर्टेड है ये डिवाइस यहाँ आप लोग दूसरी सिम लगा सकेंगे या इसमें आप लोग जो है वो मेमोरी कार्ड जो कि वो अटैच कर सकेंगे उसके साथ आप लोग को सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है वहीं बैक साइड पर आप लोग को मिलता है इसके एक क्वाड कैमरा सेटअप और बैक साइड के मटीरियल की बात की जाए तो बैक साइड आप लोग को इसकी जो है वो प्लास्टिक में देखने को मिलती है और फ्रेम्स आप लोग को इसके जो है मेरे ख्याल से मुझे एलमोनियम ही लग रहा है इसके फ्रेम जो है वो अल्मोनियम में मिल रहे हैं और नीचे आप लोग को सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है ब्लैक कलर में इतनी ज़्यादा इसकी चीज़ें जो है वो हाईलाइट नहीं होती लेकिन ये है कि ये कलर जो है वो आपके ही औसम देखने को लग रहा है और उसी के साथ

एक अच्छा रिफ्रेश रेट जो कि प्रोवाइड कर रहा है वन ट्वेंटी तो नहीं यही है मेरे ख्याल से देने वाला था क्योंकि इनकी रिफ्लेश डिवाइस में यही चलता है तो नाइन्टी हर्ड्स भी बेटर है उसी के बाद अगर इसकी बात की जाए बेजल्स की तो इसके जो बेजल्स हैं वो मुझे इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे अपर एंड चीन इसकी काफ़ी ज़्यादा थी है साइड्स इसकी ओके हैं लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बेजल्स को देखा जाए तो इसके इतने ज़्यादा खूबसूरत बेजल्स नहीं है अगर हैंडफिल की बात की जाए तो डिवाइस की हैंडफफिल जो कि काफ़ी अच्छी देखने को लग रही है क्योंकि बैक साइड इसकी काफ़ी स्ट्रेट है तो हैंडफिल जो है वो एक अच्छी आ रही है उसके बाद इसकी डिस्प्ले पर आप लोग के प्राइट पेपर भी देखने को मिलता है और बात की जाए इसके जैसे कि आपको बताया सुपर एम है तो इसमें आप लोग को एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है ऑलमोस्ट इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सैमसंग से के जो मिड रेंज में इतने ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही चीज़ है कि इसके थोड़े से स्लोर मुझे देखने को लग रहे हैं इसका स्कैनर बाकी इसके रिव्यू में इसको जो है वो कंप्लीट जो कि हम कवर करने वाले हैं फ्रंट साइड की प्रोटेक्शन की बात करूँ तो कौनी गिलीला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन लगाई गई है ये पंच होल साइड पर यहाँ पर होता तो शायद गेमिंग के लिए भी एक अच्छा इसको डिवाइस को, को कैमरा जो है वो कंसिडर किया जाता है मेरी सेंटर में जो कि इसके जो कैमराज हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को सेंटर पंच होल पसंद है या नहीं इस डिवाइस के वेट की बात करूँ तो वन ग्राम इस डिवाइस का वेट है हंड्रेड टू हंड्रेड ग्राम जो कि मेरे ख्याल से डिवाइस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है वेट उसका नॉर्मल होता है ये इसका वेट भी अच्छा है इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो इसकी जो पीक ब्राइटनेस आप लोग को एट हंड्रेड की देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डे लाइट में भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म परफॉर्मेंस देने वाली है उसके बाद बात की जाए इस डिवाइस के कैमराज की तो बैक साइड पर जो आप लोग इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसका मेन कैमरा सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का है ट्वेल मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर फाइव मेगा पिक्सल का मैक्रो एंड फाइव मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और रियर कैमरा के साथ आप लोग फोर के थर्टी एफ पे जो के वीडियो जो के रिकॉर्ड कर सकेंगे लाइक उसके बाद जो है फ्रंट साइड पे आप लोगों को जो सिक्सटी थर्टी टू मेगा पिक्सल का एक पंच होल में सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है अभी मैं एक पिक्चर क्लिक करता हूँ उसमें हम जो है वो थोड़ा बहुत इसका आइडिया लगा सकते हैं पिक्चर का रिजल्ट जो है वो कैसा आया बाकी इसका कैमरा जो है वो हम जो है वो कवर करने के तो मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है रिजल्ट बाकी इसका कैमरा टेस्ट में हम इसको जो है वो मजीद कवर करने वाले हैं मजे की चीज़ ये है कि इसके फ्रंट सेल्फ़ी कैमरा के साथ आप लोग जो है कि वो फोर के थर्टी ए पी एस पी रिकॉर्ड कर सकते हैं रेक कैमरा के साथ भी आप लोग फोर के थर्टी ए पी एस पी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें आप लोग को ओ एस मिलता है मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और कैमरा गेम जो है वो इसकी मेरे ख्याल से अगेन इस बार भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी सैमसंग के कैमरा जो है वो आप लोग को अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं वहीं बात की जाए इसकी मेन हाईलाइटिंग फीचर की इसकी परफॉर्मेंस की लाइक ए फिफ्टी वन की परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आप लोग को कॉलकॉम स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी टू जी का जो कि चिपसेट मिलता है सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी जी का चिपसेट मिल रहा है जो कि आप लोग को एट नैनोमीटर फैब्रिकेशन बेस पे चिपसेट है एंड्रीनो सिक्स एटीन का आप लोग को इसमें जी पी ओ मिलता है और उसी के साथ अगर बात की जाए इसकी रैम की तो इसमें आप लोग को एट जी बी की रैम वन टवेंटी एट uh, जी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है ड्यूल सिम सपोर्टेड डिवाइस है ये आई पी सिक्सटी सेवन वाटर रजिस्टेंस डिवाइस है इसमें आप लोग को मजे की चीज़ ये है कि इसमें आप लोग को एक स्टीरियो साउंड भी देखने को मिलता है इन स्टीडियो साउंड है मतलब कि साउंड गेम भी इसकी अच्छी होने वाली है और उसके बाद जो है वो इसमें आप लोग को जो एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिलती है वन यू आई थ्री पॉइंट यूजर इंटरफेस जो है वो इसका वन यू आई है थ्री पॉइंट वन लेटेस्ट है मतलब कि एंड्रॉइड 11 पे आप लोग इसको जो है वो चला सकते हैं लाइक जो भी अपडेट्स हैं लाइक आपके पास अगर बर्ड्स प्रो हैं तो आप लोग इसके साथ अटैच करके उसका थ्री सिक्सटी साउंड सुन सकते हैं और बाकी उसके बाद जो है इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को फोटी फाइव हंड्रेड एम एच की बैटरी देखने को मिलती है साथ में आप लोग को मिलती है ट्वेंटी फाइव वाट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट और फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट इस टाइम सैमसंग की ये सब सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग यही है इसकी ट्वेंटी फाइव वाट ही आप लोग को एस ट्वेंटी वन अल्ट्रा में भी देखने को मिलती है लेकिन बॉक्स इंक्लूडेड फिफ्टीन वाट का चार्जर है ये डिसअपॉइंटमेंट तो है आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा बाकी ओवरऑल डिवाइस जो है वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिवाइस जो है वो बनाई गई है ओसम ब्लैक कलर है तो बाकी ओसम डिवाइस है बाकी इसको मज़ीदी टेस्ट करेंगे रिव्यू करेंगे तो उसमें इसको जो है वो हम कवर कर लेंगे बाकी उम्मीद करता हूँ आज की अनबॉक्सिंग जो आप लोग को पसंद आई होगी कमेंट सेक्शन में अपने जो कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की आज की इनबॉक्सिंग जो है वो कैसी लगी है आज के लिए बस इतना ही यू वॉचिंग सेद वर्सेस टैक एंड अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें इसके काफ़ी ज़्यादा टेस्टीज आने वाले हैं कंपैरिजन करूँगा मिज रेंज डिवाइसेस के साथ कि ये डिवाइस आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है या दूसरे अच्छे ऑप्शन हैं तो उनको देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आज के लिए बस इतना ही यो वॉचिंग जैद वर्सेस टेक केयर अल्लाह हाफिज़